दोस्तों, अंतिम ओवरों में दीपक चहरक की अगर आपको ये बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप भी रोहित शर्मा की तरह उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सैल्यूट चहर लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि दीपक चहर दिन प्रतिदिन लगातार टीम इंडिया के लिए एक नए ऑलराउंडर के तौर पर साबित होते जा रहे हैं। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के बाद दीपक चहर टीम इंडिया के लिए एक ऑलराउंडर हो सकते हैं, और वो पिछले लगातार मैचों से इसका एक मुजाहरा भी पेश करते आ रहे हैं। जी हाँ, आज भी दीपक चहर ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की वो वाकई में लाजवाब थी, और इन पारियों की बदौलत टीम इंडिया को ना सिर्फ जीत मिली बल्कि टीम इंडिया ने श्रृंखला को 3-0 से जीतकर न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया। जी हाँ, लेकिन रोहित शर्मा का ये सैल्यूट शायद दीपक चहर को हमेशा याद रहेगा। रोहित शर्मा दीपक चहर को डगआउट से बैठकर ही सलामी पेश कर रहे हैं। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे अंतिम T20 मैच में दीपक चहर ने अंतिम ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की। महज 8 गेंदों में उन्होंने धुआंधार 21 रन ठोक डाले। अंतिम ओवर में तो उन्होंने 20 रन ठोक दिए। जी हां, उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से इस ओवर में 19 रन ठोके, और जब उन्होंने वो छक्का जड़ा उसको देखकर तो सभी भौचक्के रह गए। ना सिर्फ सभी खिलाड़ी बल्कि कप्तान रोहित शर्मा तो बीच मैदान में ही उन्हें सलाम करते नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से वो दीपक चहर के छक्के के बाद उन्हें सलाम कर रहे हैं। दीपक चहर ने जो लाजवाब बल्लेबाजी की वो वाकई में लाजवाब थी। अगर आपको भी दीपक चहर की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में रोहित शर्मा की तरह अगर आप भी उन्हें सैल्यूट करना चाहें तो सैल्यूट चहर लिखना बिल्कुल ना भूलें।